अंधेरे से लेकर चांद की रोशनी तक मनुष्य ने जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान के समय में मनुष्य को एक निर्माता बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए जो संविधान विकसित हुआ है वो बस अब राज्य पर शासन करने के लिए एक परमाणु शक्ति के रूप में बदल गया है। एक मिसाइल जो कि एक शक्तिशाली हथियार है, इस सब के निर्माण के लिए विज्ञान और तकनीक की जरूरत है जो कि मनुष्य की बुद्धि से विकसित हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे वैज्ञानिक और चिकित्सक दल हैं जो नए आविष्कारों की खोज में काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भरे काम भी किए हैं, लेकिन ये एक आम आदमी की कहानी है जिसने साइंस और मेडिसिन के ऊपर कई सवाल उठाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी की शुरुआत हुई साल 1971 में आंध्र प्रदेश के वाल्टेयर शहर के तट पर। अरे चाचा, बस आ रही है। हमारा दोस्त आ गया। हाँ, दोस्त आ गया। ये इधर इधर। अरे रोको रोको, बस रोको। हमारा दोस्त आया है। हे अविनाश, तेरा काम कैसा चल रहा है? हे, वो सब बाद में पूछा, पहले उसे उतरने तो दे। आजा आजा भाई, नीचे आ। कैसा है भाई? ठीक हो? गांव का क्या हाल चाल है? तुम आर्मी वाले अपने घर वालों को, दोस्तों को और गांव को छोड़ने के बाद भी कितना अच्छा काम करते हो, ये कैसे कर लेते हो? बहुत मुश्किल होती होगी ना? इनकी मुश्किलों के आगे हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। असली लड़ाई ये लड़ते हैं। अविनाश बेटा। सत्यम अंकल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कब आए? हाँ बस अभी आ ही रहा हूँ। तुम्हारी शादी का सबको इंतजार है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, कल मैं हेड ऑफिस गया था, वहाँ रशिकोंडा पोस्टमैन से मिला, उसी ने बताया तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर है और तुम बहुत किस्मत वाले हो जो वो तुम्हें मिली है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। मेरी शादी में जरूर आना बेटा। ये कैसी गांठ बांध रहे हो? ठीक से बांधो ना। बांध रहा हूँ मालिक। हाँ बांधो, और तुम फूल का काम जल्दी खत्म करो। मालिक तुम क्या कर रहे हो? इतने टाइम तक कहाँ थे तुम? पानी लेने गया। तो जाओ, सब मुझे देखना पड़ता है। अरे सुनो, हमारा बेटा आ गया। इसकी नजर, उसकी नजर, दुनिया की नजर, सबकी नजर उतर जाए। अभी तो फिर भी ठीक है, दो तीन दिन से तुम्हारे आने के बारे में ही सोच रही है। ये तो ये मुझसे ज्यादा परेशान थे, पिछले हफ्ते से पूरे गांव वालों को तुम्हारे आने के बारे में बता रहे थे। आप दोनों अभी भी ऐसे ही लड़ते हो क्या? कोई बात नहीं अंकल, आज हमारा त्योहार है मुहर्रम, आप सभी को रात को शामिल होने आ रहे हैं। चलो खाना तैयार। हाँ, चलो चलो। शुरू करो। ए, अविनाश। अरे सिवैया, अपना बादशाह कहाँ पर है? और कहाँ होगा, रजिया के साथ है। तू मेरी बहन से प्यार करेगा, इतनी औकात तेरी?
लारे इस कमीनी की गर्दन उड़ा देते हैं। रुको बेटा, ये तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ है, इसके पैर काट दो। इससे वो लोग भी डर जाएंगे जो मेरी बेटी की ओर देखने की हिम्मत करेंगे, उन्हें सबक मिलेगा। अविनाश, ये हमारे मजहब का मामला है, तुम बीच में मत आना। ए, इसे बात क्यों कर रहे हो? मार डालो इसे। कुछ देर पहले आपने क्या बोला था चाचा? आपके मजहब का मामला? अगर आप सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में सोचते तो फिर आपने पूरे गांव वालों के लिए कुआं क्यों बनवाया? शिवजी का मंदिर बनाने के लिए आपने अपनी जमीन क्यों दी, बताइए? वो सब बेकार की बातें हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की? आप एक चीज भूल गए चाचा, कि रजिया भी बादशाह से प्यार करती है, तो क्या हम इसे भी मार दें? इसकी जबरदस्ती शादी कराओगे तो यह खुश नहीं रहेगी। बादशाह दिल का बहुत अच्छा है, इनकी शादी करा दीजिए, दोनों सच में बहुत खुश रहेंगे। एक बार ये बात सोचिए। ठीक है विनाश बाबू, अगर सभी लोग राजी हैं तो मुझे क्या एतराज है, निकाह पढ़वा देते हैं। आकाशवाणी वॉल्टेयर केंद्र, समाचार पाठक है वेल्पुला नंदिनी। नासा ने पता लगाया है कि एक उल्का की कक्षा पृथ्वी के बहुत नजदीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भारतीय सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्व रूप से सतर्क कर दिया है। ये ले बेटा, खा। माँ कितना खिला रही है। बेटा तू दुबला होता जा रहा है। बस अब कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद तेरी बीवी आ जाएगी, फिर उसी के हाथ से खाना खाना, और मुझे तो भूल ही जाएगा। लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और बात उसके खाना बनाने की। अच्छा माँ, एक बात सच बताना, पापा ने आपको शादी से पहले नहीं देखा था क्या? हे भगवान, शादी से पहले? अरे रे, जमाना क्या कहेगा। ए, बाकी लोग क्या सोचेंगे? तू ऐसा करने की सोचना भी मत। आप अभी पुराने जमाने में ही हो, वक्त बदल गया है, किसी को भी मेरे भावनाओं की कोई फिक्र ही नहीं। ए, गांव में किसी को भी हमारे बारे में पता चल गया है? तो जानते हो वो लोग हमें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अरे रुको, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चूड़ियां अच्छी हैं। हाँ, अच्छी हैं। अरे यार मेरी बात मान लो। अरे थोड़ा हटो ना यार। ए, 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 कौन हो तुम लोग? चोर हैं हम, चलो जाओ जाओ खेलो। चोर? चलो जाओ यहां से। हमारे गांव में चोर आ गए। अरे पागल, उसे रोको नहीं तो तुम्हारी मासूमियत के चक्कर में हम सब फंस जाएंगे, समझे? अरे वहाँ देखो। अरे चुप रहो ना, मुझे देखने दो। उस पेड़ के नीचे चोर छुपे हुए हैं। हे भगवान, हमें बचा लो। जल्दी चलो। चोर को क्या कर रहे हो? आप फिर कहाँ जाओगे? इन्हें पकड़ के रहेंगे। चलना जल्दी, क्या देख रहा है? चाहिए ना जी।
से दो दिन और बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? अरे अविनाश कुछ बोल लो यार। अरे 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 अरे, तुम गोपाल राव के बेटे हो ना? हाँ, यही है, यही है। तुम तो फौजी हो ना बेटा? हाँ। ये हमारी अमूल्या से शादी करने आया है और उसे देखे बिना रह नहीं पा रहा है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर एक काम के लिए आया था। हम अच्छे से देख रहे हैं क्या काम था। अब चलो हम चलते हैं, इससे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाँ मन में मन मर्जी करे तू ही तो रे, दिल बन के तू ही धड़के मेरी सुबह शाम तू है रे। तू है बनी मेरे लिए, देखूं तुझे मैं जी भर के, नैन तेरे मदिरा नैन डूबा रहूं यूं ही रे। मन बन के हाँ मन में मन मर्जी करे तू ही तो रे। तेरे बिना क्या है कुछ भी नहीं। तूने तो छूके मन को सनम कर डाला जादू मुझ पे सनम। है सजनी मेरी तू प्राण और आत्मा, संग मेरे जो तू है बाहों में आसमां। मन बन के मन में मन मर्जी करे तू ही तो रे। जाओ। जाओ। अच्छा कल तुम मंदिर में भगवान के साथ क्या बात कर रही थी? हम तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। अच्छा, जान सकता हूँ किस बारे में बातें हो रही थी? उन्होंने तो बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। सच में? तो फिर मांगने को क्या बचा? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आप चाहिए। वैसे आपको क्या चाहिए? ठीक है बताता हूँ, पहले अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? बंद करो ना। ठीक है। अभी अपनी आंखें खोलो। कितना सुंदर है। तुम्हारे पहनने के बाद ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ, आज तो आप अचानक से शायर बन गए हैं।
अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। वो क्यों? ओहो, कीजिए ना, आपने कहा तो मैंने भी की ना। ठीक है। अब आंखें खोल लीजिए। ओ, ये कैसे अक्षर है? इस ए से अमूल्य, और इस ए से अविनाश, और वी से मुझे बोलने में शर्म आ रही है। तुमने मुझे दिया है ना, तो बताओ वी से क्या हुआ? वी से अगर बेटी हुई तो विजया, और बेटा हुआ तो विजय। तुम्हें पता है ना इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तुम्हें नहीं पता? हमें क्या करना पड़ेगा? इधर आओ, मैं बताता हूँ। हे, हे अम्मो। हे। अरे। तुम्हारी सारी खूबसूरती किस ओर जा रही है? ये फूल भी हमारी दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जन्म जन्म तक मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे होठों पर मेरी पहले हस्ताक्षर के साथ। गोपाल राव जी। क्या सत्यम? साहब क्या हुआ? आर्मी कैंप से ट्रंक कॉल आया है। किस लिए? युद्ध छिड़ गया है। हा? सारे फौजियों को अभी तुरंत जाना पड़ेगा। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? 3 दिन भी नहीं हुए हैं उसकी शादी को, और हमें छोड़कर जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी नहीं चाहता अरुंधति की वो जाए, लेकिन नौकरी ही ऐसी है। अभी तक नई दुल्हन की मेहंदी भी नहीं उतरी, वो बेचारी क्या करेगी? अगर हर माँ तुम्हारी तरह सोचेगी तो देश की रक्षा के लिए फौजी को जन्म कौन देगा अरुंधति? मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे नहीं जानना। कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों के आगे झुकना पड़ता है। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आओ बैठो। माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर युद्ध में तुझे कुछ हो गया तो एक बार उसकी तरफ देख बेटा, वो बेचारी। माँ, हर फौजी अपने देश के लिए बस लड़ना चाहता है, और वो मौका मुझे नसीब से मिला है, तो मौका मैं खोना नहीं चाहता। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जरूर वापस आऊंगा। माँ, चलो। इसे घर में भूल गए थे। मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ समय नहीं बिता सका। नहीं, ऐसा मत कहिए। फौजी की बीवी होने के नाते मुझे उम्मीद है तुम समझ सकती हो। क्या आप मुझसे वादा करेंगे? हाँ बोलो ना। कि आप जल्दी आ जाएंगे? जरूर आऊंगा।
ये एक फौजी का वादा है। एक दो एक। जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन अविनाश रिपोर्टिंग। कैप्टन, खबर के मुताबिक पाक सेना दल त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय में हमारे बॉर्डर पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने से ईस्ट पाकिस्तान उन्हें मिल जाएगा, ऐसी सोच है उनकी। ये इतना आसान नहीं है सर, वो सब हमारी बटालियन देख लेगी। ठीक है, तो उन पर हमला करने की तैयारी करो। थैंक यू सर। आकाशवाणी वालथेरू केंद्र, आज की मुख्य खबर है कि भारतीय सेना ने बहुत ही शानदार तरीकों से सामने वाले दुश्मनों की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मेघालय नागरिक बॉर्डर पे तैनात होने वाले जवानों में से जो शहीद हो गए हैं उनका नाम है अखिलेश गायकवाड़, सूबेदार करण सिंह, सूबेदार रामकिशन और आंध्रा के वॉल्टर रीजन के जवान कैप्टन अविनाश। ये सब अब हमारे बीच नहीं रहे।
सर, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा था, मेरा बेटा। हाँ मैं जरूर आऊंगा, ये एक फौजी का वादा है। मंत्री चेरुकुरी विश्वनाथम का स्वास्थ्य अभी गंभीर है, उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। चाचा विशु, चाचा उठिए, चाचा विशु, चाचा उठना, उठिए। हाँ ओके। नमस्ते नेताजी। नमस्कार। सुबह न्यूज़ सुनकर शॉक्ड हो गया, क्या काशी यहाँ है? हाँ सर। काशी, आई एम सॉरी, मुझे अभी अभी पता चला। वैसे हुआ क्या था? नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। फिकर की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर हैं। अचानक गिरने की वजह से सर पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। उनके शरीर का दायां हिस्सा अभी काम नहीं करेगा। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? यस, दैट्स द फैक्ट, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। डॉक्टर, खर्चे की चिंता मत कीजिए, ब्रिंग द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। इस राज्य के लिए उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। प्लीज डॉक्टर, टेक केयर ऑफ हिम। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। चलो ठीक है, कॉफी पीते हैं, चलो। डॉक्टर ने चिंता करने से मना किया है ना। सर, सर, एक्सक्यूज मी सर, सर। रुको रुको, सर, रुको रुको। सर बताइए, मुख्यमंत्री जी की हालत कैसी है अभी? चिंता की कोई बात नहीं, कुछ बताइए। द्वाड़ा सर, सुनने में आया है कि आपके पार्टी में लोगों के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय ये बातें नहीं कर सकते, पर आप सभी को शक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा परिवार पिछले 60 साल से लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। अगर पार्टी के सदस्य सब लोग मिलके अगर मुझे ये जिम्मेदारी देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगले मुख्यमंत्री आप बनने वाले हो? वैसे तो विजय भास्कर जी पार्टी में सबसे पुराने सदस्य हैं, उनको छोड़कर क्या आपको पार्टी का सपोर्ट मिलेगा? ऐसा नहीं है, विजय भास्कर मेरे लिए भाई जैसे ही हैं। अगर ठीक है माँ, पार्टी वाले उन्हें चुनेंगे तो मैं खुशी खुशी उनका समर्थन करूंगा। पार्टी को अभी नए लीडर की जरूरत है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? वो अभी अभी एडमिट हुए हैं, आप लोग फालतू की बातें मत सोचिए। इस राज्य में किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, गलत बातें आप लोग ही फैला रहे हैं। पिछले 20 साल से आप इस पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए? इस समय मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे लिए मेरे पिता के समान है। मैं बस यही चाहता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाए। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई है, और ऐसी हालत में क्या वो इस एक्सीडेंट को झेल पाएंगे? और ऐसी परिस्थिति में आप अगर लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो और मुख्यमंत्री की जगह ले लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ये कुछ लोगों की राय है सर। हमारी पार्टी में मुझसे भी ज्यादा अनुभवी लोग हैं,
अननेसेसरी मुझे इस राजनीति की लड़ाई में मत खींचिए प्लीज। वैसे अगर मेरी पार्टी के लोग साथ मिलकर मुझे कर्तव्य निभाने के लिए आदेश देंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। प्लीज। तो न्यूज ये है कि मुख्यमंत्री की पदवी उन्हें दी गई तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है पार्टी में आंतरिक मनमुटाव भी हो सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई? बयान उठाना, आंतरिक मनमुटाव, र्यूमर फैलाना, फालतू में मुद्दा बनाते हो। चलो माइक नीचे करो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू प्लान सीरियसली। जल्दी से कॉर्पोरेट इवेंट अरेंज करो, सोशल मीडिया नेटवर्किंग पर फोकस करो, फेमस पॉलिटिशियन को हमारे बारे में लोकल चैनल पर बात करने दो, सब लोग हमें सपोर्ट करने चाहिए। काशी, विजय भास्कर को हल्के में नहीं ले सकते। बहुत सारे सीनियर्स को हटा के वो यहाँ पहुँचा है और वो अब सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहा है। अगर हम विजय भास्कर की वीकनेस के बारे में नहीं जान पाए तो डायरेक्ट उसे खत्म करके उसे इस रेस से बाहर निकाल सकते हैं। सलाम भाई, अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई। हाँ बोलना। जब हम जमीन के फ्रॉड के लिए अंदर थे तो ये दोनों भी साथ में थे ना, पहचाना इनको? हाँ, ये तो वही है मिनिस्टर के बेटे के एक्सीडेंट केस को हैंडल करके आज देखिए एमएलए बन गया। अच्छा, और वो टीवी पर कितना फेमस हुआ था याद है ना? अच्छा वही रिकॉर्डिंग डांस वाली? अरे रिकॉर्डिंग डांस नहीं, अरे वो नहीं, चिट फंड कंपनी, चिट फंड 400 करोड़। आदाब आदाब। नमस्ते 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 नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, हम तो मामूली मिनिस्टर हैं, तुम्हारे जितने फॉलोअर्स नहीं है हमारे। ये सब तो आपका प्यार है, वरना मैंने क्या किया है? मैं तो बस एक जरिया हूँ। हेलो, अच्छा हो गया, ये तो गुड न्यूज है। हे वेंकैया जी, आपका लैंड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? आपको कैसे पता सर? मिस्टर रवि किशोर जी। हाँ जी। ये रही आपके दामाद की हॉस्पिटल की परमिशन की फाइल। थैंक यू थैंक यू। मैडम, पहचाना इसे आपने? अपने फोन से इसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। आपकी बेटी को आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आपके परिवार को। थैंक यू सो मच भाई। तुम पॉलिटिक्स के लिए एकदम सही हो, भगवान की तरह बिना मांगे मदद करते हो। इसमें मैं कुछ नहीं करता, इसका श्रेय विजय जी को जाता है। अगर भविष्य में आप में से किसी को कोई दिक्कत हुई तो इसे सिर्फ एक ही आदमी सॉल्व कर सकता है, हमारे विजय भास्कर जी। भाई, सीएम को होश आ गया है। रहमान, गायकवाड़, सब लोग कहाँ हो यार? Hey, रोको, गाड़ी रोको। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप लोग क्या कर रहे हो? रेस्ट्रिक्टेड कहाँ? दिस एरिया कम्स अंडर द वॉर जोन, सिविलियंस को अलाउ नहीं है यहाँ पर। वॉर जोन कहाँ? यहाँ आसपास में कोई आर्मी कैंप है क्या? हाँ, शायद 3 किलोमीटर आगे। हाँ। कैन यू ड्रॉप मी? हाँ, बैठिए। अरे क्या हुआ सर, हेडफोन है? मैं कहाँ हूँ? ये इंडिया ही है ना? सर सर सर, रुकिए जरा। सर, अब मुख्यमंत्री जी की तबीयत कैसी है? वो अभी खतरे से बाहर है, पर वो शायद पहले जैसे हेल्दी नहीं हो पाएंगे। आपकी पार्टी में नए लीडर की चयन की बात चल रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आने वाले 2 दिन में पार्टी के सारे लोग मिलकर मीटिंग करने वाले हैं, उस मीटिंग में हम सब मिलकर के फैसला कर लेंगे। विजय भास्कर और काशी में से आप किसे चुनेंगे? अपना माइक नीचे करो।
और कैमरा भी बंद करो। आप लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं दोनों में है, है ना? मैं क्यों नहीं लीडर बन सकता हूँ? अब माइक और कैमरा ऑन करो। हमारी पार्टी के सारे सदस्य मिलके बहुत जल्द फैसला करेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। तो आप सभी ने अभी भी देखा कि उन्होंने ओपनली सब कुछ सच सच बोल दिया। इनका कहना है कि कहीं के? ये भी बन सकते। अरे मैंने कब ओपनली बोला? ओपनली बोला, सच बोला, झूठ बोला, बस न्यूज चाहिए ना। ये और इनकी बातें तुम लोग नहीं बदलोगे, कभी भी सच नहीं बता सकते। अरे यार, फेक आईडी लेके आर्मी कैंप में घुस गया। हाँ यार, 71 वॉर के बारे में कुछ बोल रहा था। हाँ यार, पता नहीं ये क्या है, सबके हाथ में टाइपराइटर जैसा दिख रहा है, लेकिन नहीं, मुझे लगता है उसका दिमाग हिल गया भाई। ये क्या हो रहा है? सर आ गए। आ गए। जय हिंद। हाँ बताओ गीता। सर ये कब तक खींचोगे यार? 2 साल हो गया इसे। शाम को भेजो और क्लोज करो इसे फटाफट। ठीक है सर। सो यस सर। सर 24 घंटे में आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी सर। सो बिल्कुल सर। यस सर। जय हिंद सर। ओके सर। 404। यस सर। सारी कॉल रिकॉर्ड्स आ गई? कल शाम तक आएंगे सर। अगर शाम तक नहीं आई तो डीजी सर बहुत गुस्सा होंगे। समझ में रहे ना मेरी बात? जी सर बिल्कुल। ठीक है। ए, चल अंदर। अंदर चल। मुझे कोई ये बता सकता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? अरे ये कौन है? फौजी क्या कर रहा है यहाँ पे? सर ये आदमी फेक आईडी के साथ आर्मी कैंप में घुस गया था। अरे ले जाओ यार इसे, पहले ही यहाँ इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। फेक आईडी? फेक आईडी क्या बोल रहा है तू? यहाँ पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है और आप लोग मजाक समझ रहे हो? अरे भाई क्या बोल रहा है तू, कहाँ जंग चल रही है? अरे ले जाओ यार इसको यहाँ से, ले जाके सारी डिटेल्स लिखवा लो इससे। एक फौजी को सिविल स्टेशन में ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए, पता नहीं है क्या आपको? चले यहाँ से, चल चले यहाँ से। चल चलो चलो। प्रधानमंत्री मोदी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो 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 चलो। हेलो, तुम कहां से हो? बोलो भाई। वॉल्टेयर। ओ तुम तेलुगु बोलते हो? अब वॉल्टेयर नहीं है, अभी वो वाइजाग हो गया है। हाँ हो गया? के लिए बोला है साहब। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि साहब ने जाने के लिए बोला। एक केस के लिए 2 दिन बाद मैं वाइजाग जाने वाला हूं, मैं छोड़ दूंगा, वहां बैठो। यही स्टेशन है, चलो उतरो। हाँ। क्या ये वॉल्टेयर है? हाँ भाई हाँ, चलो। भाई एक मिनट रुको, मुझे मोवाला वनीपलम जाना है, मदद कर सकते हो? मुझे मोवाला वनीपलम जाना है। माजी ये जोसेफ का घर है ना? नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। बताओ पैदी थल्ली, क्या बात है? आप तो जानते ही हैं सर, हम अपना पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 6 साल से हम उस ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हमने मजदूरी बढ़ाने के लिए बोला तो उन्होंने हम सबको नौकरी से निकाल दिया सर। बोले कि जिसके पास जाना चले जाओ, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है सर, कृपया हमारी मदद कीजिए सर। रागनी
सिम्हाचलम को फोन करो। ओके सर। हेलो। हेलो। वन सेकंड, मिनिस्टर सर आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मिस्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। फैक्ट्री कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है सर। कम मजदूरी की वजह से सारे लेबर एक साथ पहली थल्ली के साथ मिलके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दिया है सर। है सर, तुम्हारे लिए ये लेबर्स हैं, पर मेरे लिए मेरे परिवार के जैसे हैं। अगर वो आपके लोग हैं तो फिर तो मेरे अपने हुए सर। मैं उन्हें फिर से काम पे रख लेता हूँ सर। इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा सर। अच्छी बात है। सिर्फ यही नहीं, आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो मैं आपके साथ हूँ। हमारे नेता विजय भास्कर जी जिंदाबाद। विजय भास्कर जी जिंदाबाद। विजय भास्कर जी जिंदाबाद। क्या कहा? तुम मेरे पापा के दोस्त हो, आपकी उम्र में और उनकी उम्र में तो काफी फर्क है। उनको गुजरे तो 10 साल हो गए। शिवाया अंकल। यार गांव का क्या हाल चाल है? ये शिवाया है? अरे तुम रुको यार एक मिनट। ये क्या, ये लड़का बिल्कुल अविनाश की तरह दिख रहा है। कैसे हो जेम्स? मैं ठीक हूँ अंकल। क्या हुआ कि ये? अरे क्या हुआ ठीक से बोलो। ये हमारे दोस्त अविनाश की तरह दिख रहा है। पता है आपको, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हम उसकी तस्वीर ना देखें। पुरानी यादों के सिवा अब आखिर बचा ही क्या है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये बोल रहा है ये अविनाश है और ये मेरे पापा को जानता है। ये बादशाह अंकल और आप दोनों के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा है। क्या कहा, तुम अविनाश हो? हाँ मैं ही हूँ। उसके गुजरे तो 50 साल हो गए हैं। इन्हीं कंधों पर मैंने उसकी अर्थी उठाई थी। अरे लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अरे मुझे इसकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मेरे माँ पापा कैसे हैं अभी? देखो बेटा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। बेटे की शहीद होने की खबर सुनकर अरुंधति माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और उसके कुछ दिन बाद गोपाल चाचा भी हमें छोड़कर चले गए। अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा बेटा। अमूल्या के बारे में बताओ ना। क्या पूछ रहे हो तुम अमूल्या? ए जेम्स। हाँ अंकल। इसे ले जाओ। चलो भाई चलो। ए शिवया, समझने की कोशिश कर, मैं ही अविनाश हूं। ले जाओ इसे। चलो उठो चलो चलो चलो। अमूल्या कहाँ है बस इतना ही बता दे। जेम्स तुम्हें बोला ना, ले जाओ इसे यहाँ से। क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है? बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो चलो। अरे पागल हो गया क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तुझे? अरे मैं ही अविनाश हूँ। पागल मैं नहीं तुम हो, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? ए जेम्स ले जाओ इसे। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो उठो उठो चलो। मैं मरा नहीं हूँ यार। अरे तुम सबने मिलकर मेरी कहानी बनाई है। चल चल यार ले जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को नहीं बताना कि 1971 की लड़ाई में तुम गुम हो गए थे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। क्या बोल रहे हो तुम, नशे की हालत में हो क्या? अरे उसे मरे 50 साल हो चुके हैं। अरे कोई गाड़ी से भाग निकालो इन्हें, आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब जगह शेयर करें। देखिए बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। अरे वीडियो के बाद में क्या अपना हाथ दो। आराम से भाई, तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? आई एम ओके ब्रो, थैंक्स, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अरे यार तुम्हें भी चोट लग गई है। अरे कोई बात नहीं ब्रो, पास में ही मेरा घर है, चलो। अरे कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट लगी है। अरे नहीं ब्रो चलो ना। अरे यार अच्छा हुआ टाइम पे आ गया, ये जान बच गई इसकी। मैं भी बचाने जा रहा था, ये आ गया। कमाल। हाँ हाँ यही 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 यही। ब्रो बैठो, आज तुमने मेरी जान बचा ली ब्रो, थैंक यू सो मच यार। वैसे तुम करते क्या हो? कुछ खास नहीं।
कम रूम, दिस इज माई स्वीट होम। सुंदर है दादी। दादी ब्रो बैठो ना, मैं अभी आता हूँ। अरे कोई है नहीं क्या? हेलो, हाँ बोल यार। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कल रात की पार्टी का क्या हुआ? हाँ हाँ सब कुछ सेट है ना, लास्ट टाइम की तरह मत करना हाँ तुम लोग। तो तुम ही हो जिसने मेरे पोते को बचाया? अरे तुम्हें तो चोट भी लगी है, बैठ जाओ तुम। लक्ष्मी जी मालकिन। अम्मो क्या कहा तुमने? माँ बोला। ये क्या, ये तो मेरे पति की तरह दिख रहा है। एक जैसे दिखने वाले लोग सच में होते हैं। रागनी सर, सिंगापुर डेलीगेट्स के साथ जो मीटिंग थी पोस्टपोन कर दो। यस सर। हे डैड हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। ड्राइवर लेके चल सकते हो ना, पूरे राज्य में तुम्हारे एक्सीडेंट की चर्चा हो रही है। विजय, वी से बेटी हुई तो विजय, बेटा हुआ तो विजय। विजय क्या है ये? हे माँ, तो पिछले हफ्ते आने वाले थे। कैसी हैं आप? रोज पार्टी मीटिंग चल रही है, अभी फ्री हुआ हूँ, अब कुछ दिन साथ रहेंगे। डैड यही है जिसने मुझे बचाया। वैसे हम दादी के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे ना, क्यों ना हम इसे ही ये जॉब दे दें? हाँ थैंक्स बेटा, हम जल्दी मिलेंगे। अशोक डील हो गई क्या? वाव ये कितना स्मार्ट है रागनी, जस्ट कंट्रोल, अपने आप को संभाल। सब्जियों का दाम कितना बढ़ गया है, सच में महंगी कैसे हो गई है। ए, दिखाई नहीं देता? सॉरी मैम, मैं भिड़ने वाला था लेकिन ये भिड़ गई। सब्जी लाने में इतना वक्त लगता है? हम मार्केट गए थे ना, इसलिए लेट हो गया। अरे मल्ली, मैंने पापा से बात कर ली है, इसे ऊपर लेके जाओ, ये यहीं रहेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। अरे रुको, ये मुझे दो। Hey, what's up bro? कम, क्या हुआ? बोर हो रहे हो क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गया। मेरे आने से परेशानी तो नहीं होगी ना? Hey, nothing bro. I'm just, you know, chilling. मेरे डैडी पॉलिटिकल करियर चूज करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन ये सब कहाँ करती है यार। सी आई एम एन ऐप डेवलपर, मुझे पॉलिटिक्स जरा भी नहीं पसंद है। क्या यैप? इट्स नॉट यैप, इट्स ऐप। क्या जरूरत है इसकी? अपने पापा की बात क्यों नहीं सुनते हो? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए वो ये भूल जाते हैं। क्या हुआ ब्रो, हंस क्यों रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन दिनों किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो पूरा गांव उसकी मदद करता था, लेकिन अभी अगर कोई मर भी रहा हो तो उसकी किसी को परवाह नहीं होती है। जिस ऐप के बारे में तुमने बताया, अगर वो ऐसे लोगों की मदद करेगा तो बहुत अच्छा है। अरे ये कंप्यूटर है ना, क्या ये किसी भी चीज का जवाब दे सकता है? या तो क्या ये बता सकता है कि इंसान बिना बूढ़ा हुए कैसे 50 साल तक रह सकता है? क्या ब्रो, लाइफ लॉन्ग यंग रहना चाहते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस जानना है।
आप जल्दी आ जाएंगे ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को नहीं बताना कि 1971 की लड़ाई में तुम गुम हो गए थे, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। क्या कहा तुमने? तुम अविनाश हो? अरे उसे मरे तो 50 साल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। राजनीति अभी चर्चा का विषय है। दोनों पार्टी अपनी अपनी योजना में व्यस्त हैं। ओ मिनिस्टर सर, हमारी लिस्ट में सभी को बैग मिल गया ना? 75% लोगों ने ले लिया है। वैसे कुछ लोग हैं जो मना कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पर्सनली मिलकर कन्विंस करूंगा सर। और एक बात है सर, ओपोजिशन के 15 लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं सर, वो लोग आज ही कन्फर्म करेंगे। इसके लिए हमें फंड की जरूरत है। फंड की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा सर। किसी को भी इग्नोर मत करो। ठीक है सर। इस बार हमारी जीत को देख के विजय इसे लाइफ लॉन्ग रिकवर नहीं कर पाएगा, समझे? विजय के साथ नॉर्मल रहना चाहिए। वो लोग भी अपना प्लान बना रहे हैं, अब्दुल्ला को हल्के में नहीं ले सकते। ऑलराइट, तुम उस काम पर ध्यान दो, मैं फंड अरेंज करता हूँ। ठीक है सर। फाइल है, फॉलो अप करके बताती हूँ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। रागिनी चलो इधर। मॉर्निंग सर। कनेक्ट करो इसे। ओके सर। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे सीरियसली क्या देख रहे हो? हमें होम मिनिस्टर का एक वीडियो मिला है, मूर्ति ने मुझे आज ही दिया है। उसने बहुत पैसे लिए होंगे। हाँ ओपन हो गया सर। गुड। फाइनली इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रागिनी सर, इस हार्ड डिस्क को संभाल कर लॉकर में रख दो। Sure, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू यार। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। ज्यादा तारीफ मत करो। वैसे आते वक्त मैंने घर में एक अनजान आदमी को देखा था, कौन है वो? मेरे पापा। उसी ने गोपाल को बचाया था। ओ, पर वो मेरे पापा के जैसा दिखता मैं है। तो रोज तुम्हारे पापा का फोटो देखता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। हर साल आप इस तरह से इंतजार करते हैं, लेकिन ये कौवे कभी नहीं खाते हैं। चलिए डैड अंदर चलते हैं। चलिए।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस ये बॉक्स देख रहा था। देख रहे थे या खोल रहे थे? हाँ जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? नहीं ऐसा नहीं, तुमने कुछ चुराया नहीं ना? नहीं मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बाहर जाओ। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। अभी बाहर जाओ। कहाँ पर जाऊँ मैं? हाँ मेरी बीवी घर और परिवार को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बेटे को पता चल गया तो तुम्हारी जान ले लेगा। और कितनी बार मरूंगा मैं अमूल्य? कितनी बार बोलो ना। दुनिया के लिए मैं एक बार मर चुका हूँ, तुम्हारे दिमाग में एक बार मर चुका हूँ, और बेटे के लिए भी मर चुका हूँ, और कितनी बार मरूं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम लेकर बुलाने की? एक मिनट, अगर एक मिनट में यहाँ से बाहर नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। अरे अम्मो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा अविनाश हूँ। नहीं जाओ यहाँ से। ऐसे बोलने का तुम्हारे पास कारण है, लेकिन मुझे बस एक मौका दो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मरे हुए इंसान की पहचान चुराते हुए? कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। मैंने कहा ना इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा जाओ। मुझे पता है कि ये एक असंभव बात है, पर तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा। उस दिन मैं आर्मी कैंप के लिए चला गया क्योंकि जंग शुरू हो गई थी और मुझे बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। मैं तब पाकिस्तानी फौजियों का पीछा कर रहा था और बहुत ही ज्यादा बर्फ होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं बर्फ की गहरी सुरंग में गिर गया। कुछ तो चमक रहा था, पहाड़ों के फटने की आवाज़ सुनाई थी। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे चारों तरफ एक नई दुनिया दिखाई दी और मेरा दिमाग खराब हो गया जब मुझे पता चला कि ये 2021 है। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जब शिवैया ही मुझे नहीं पहचान पाया तो बहुत बुरा लगा कि मैंने अपनी पहचान ही खो दी है। और फिर गोपाल के एक्सीडेंट की वजह से मैं तुमसे और विजय से मिल पाया। कुछ वक्त के लिए मैं बहुत खुश था कि मैं अपने परिवार वालों से मिल पाया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा मेरे मरने की पुण्यतिथि मना रहा है। और कुछ मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे पति हो, ये सच नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो अमूल्य। तुम्हारी सारी खूबसूरती किस ओर जा रही है? ये फूल भी हमारी दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जन्म जन्म तक तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हारे होठों पर मेरे पहले हस्ताक्षर के साथ। हेलो क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने कुछ देखा है। क्या देखा?
हर कोई कभी ना कभी कोई बड़ी चीज देखता है। क्या फालतू बकवास कर रही हो, जो बात है वो बताओ ना। किस इस समय तुम्हें किस करना है, आगे क्या हुआ बताओ ना। नहीं ये नहीं, मैं ऊपर हमारी मैडम को चाय देने के लिए गई थी, अविनाश भी उनके रूम में ही था, फिर अविनाश और मैडम वो दोनों आगे क्या हुआ बताओ ना, एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या कहा, मैडम से किस कर रही थी? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, दोनों एक दूसरे को समझो ना। इस बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो बोलो दोनों को नौकरी से बाहर निकाल देंगे, समझ गए ना। इतने लंबे वक्त से आप हमारे साथ थे, अपने परिवार के साथ रहने के बावजूद आपने कुछ नहीं बताया, ऐसा क्यों किया आपने? एक मिनट, मैं विजय को कॉल करती हूँ। अभी नहीं अमो, सही वक्त आने पर मैं बताऊंगा। ओहो मैं सच में पागल हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मांग फिर से भरिए। ये सही वक्त नहीं है अम्मू, कोई भी हम पे भरोसा नहीं करेगा, जरा सोचो ना। यही बात तुम्हें समझाने के लिए मुझे कितना वक्त लग गया। पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण और सीनियर लोगों को ही यहाँ बुलाया गया है, अब आगे क्या करना है इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है। और कोई रास्ता नहीं है सर हमारे पास, विजय भास्कर और काशी के अलावा किसी एक को पार्टी का लीडर बनना पड़ेगा। राज्य के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। अब एक ही रास्ता है कि इन दोनों में से कोई एक लीडर बने। केवल राजनीतिक तजुर्बा काफी नहीं है, लीडर को सब पता होना चाहिए। अगर बात ऐसी है तो काशीनाथ सबसे काबिल इंसान है और साथ ही राजनीति में तजुर्बा भी बहुत अच्छा है उन्हें। हमें किसी कंपनी के लिए सीईओ नहीं चाहिए, पार्टी को मजबूत बनाने वाला लीडर चाहिए। आप सब शांत हो जाइए, तुम क्या बोलना चाहते हो काशीनाथ? अगर विजय भास्कर हमारे अगले मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या तुम अपने लोगों को मना सकते हो? मधुनेनी सर, जब हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो वो मना नहीं करते, उसी तरह कुर्सी किसी और को सौंप कर हम प्रचार क्यों करेंगे? बहुत सारे सदस्य चाहते हैं कि काशीनाथ जी मुख्यमंत्री बने। देखो बकवास मत करो, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? इसे 4 साल हुए पार्टी में शामिल हुए अभी, और विजय भास्कर इस पार्टी में पिछले 20 सालों से हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने, हमारी पार्टी को रूलिंग पार्टी भी बनाया इन्होंने, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? हाँ, और क्या, आपके दामाद को हॉस्पिटल के लिए परमिशन मिल गई है ना, तो आप तो बोलेंगे। शांति लता जी, आपके सिर्फ नाम में ही शांति है, बातों में कहीं नहीं है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कभी भी इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। हम सबको मिलके एक सही इंसान को चुनना पड़ेगा जो इस कुर्सी का असली हकदार हो। वो कोई भी हो सकता है। हमें अधिकार में रहकर सोचना होगा, ये भी सही है, और इस दौरान हमें किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना होगा। यही सबके लिए ठीक रहेगा। आपने सही कहा विजय जी, जल्दी हम लोगों को वोटिंग करानी चाहिए, तब तक आप सब मीडिया से थोड़ा बचकर ही रहिएगा। चलते हैं, चलो भाई चलिए, आइए चलते हैं। मैडम कॉफी। परिमला। हाँ? कौन सा रंग मुझ पर अच्छा लगेगा? कितनी बार आप रंग बदलेंगी मैडम? हाँ? मेरा मतलब कोई भी रंग आप पर अच्छा ही लगेगा। अच्छा, रंग की बात से याद आया कि रंग लगाने के बाद बालों में कब तक रहता है? बालों में रंग लगाना है बुढ़िया, कुछ ही दिनों में मर जाएगी और तुझे ये सब करना है? तेरा बेटा बुढ़ा हो गया है और एक जवान पोता भी है, और इस उम्र में तू किस कर रही है? हा? इस उम्र में तुझे घर में बैठ के भगवान की पूजा करनी चाहिए, और तू यहाँ पर पॉप सॉन्ग सुन रही है? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। मुझे मेरी किस्मत पे दया आ रही है कि जो देखा किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ, और ना ही तुझे रोक पा रही हूँ। तू तो मानेगी नहीं, और ना ही वो लड़का मानेगा, और इसके बीच में मैं। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मैडम, मैं सोच रही थी आपके बालों में कौन सा रंग अच्छा लगेगा। क्या? वैसे सच बताऊं तो मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, मैं तो आपकी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ ना, मैं जाके खाना बनाती हूँ। ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी। मैं उससे बात कर लूंगा।
बहन जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आपके लिए मछली लाया हूँ। नमस्ते अंकल, आइए। हाँ, नमस्ते। खाना आपके लिए सबसे जरूरी है। ऐसी बात नहीं है। कुछ बात है क्या अंकल? वो कोला कृष्णैया हाँ। हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। भास्कर, हमें एकजुट रहना पड़ेगा, तभी हमारी पार्टी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। वो काशी वो अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सर ठीक है, सर ठीक है। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, खा कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे। वो विश्वकर्मा चाहता है कि काशी अगला मुख्यमंत्री बने। इस बार हम भले किसी को बना दे, पर अगली बार तो काशी को सीएम बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ नाम के लिए वो सीएम बनेगा, पर सारी पावर तो आपके हाथ में होगी। बिस्किट। बिस्किट अंकल। मेरा मतलब ये तो आप क्या बोल रहे थे अंकल? सीएम, पावर और कुछ। वो विश्वकर्मा की आखिरी इच्छा है कि अपने बेटे को सीएम की कुर्सी पे देखे। उसी का बेटा अगला सीएम बनेगा। भास्कर, सच में? आपको पता होना चाहिए अंकल, वो हमेशा मुझे मेरा बड़ा बेटा बोलते हैं, तो मैं हूं उनका बड़ा बेटा। और अब उनका बड़ा बेटा ही बनेगा अगला सीएम। तो फिर काशी का क्या होगा? वो मेरे लिए हमेशा छोटा भाई है। इतनी कम उम्र में बगैर किसी सपोर्ट के उसके करोड़ों के टर्नओवर है। उसके जैसा स्मार्ट आदमी गलती से राजनीति में आया, तो हमें उसे समझाना चाहिए। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, अंबानी के जैसा। उस पोजीशन तक पहुंच पाना सबके बस की बात नहीं है। हम पावर में रह के उसे वहां तक पहुंचाएंगे। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझाइए। सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं अंकल। मैं तुम्हारी इरादे समझ गया। सुनो, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। बहन, खा कर जाओ। अगली बार आके खाऊंगा। भास्कर ने पेट भर दिया बिस्किट से। लाइए, मुझे दे दीजिए। मुझे ऐसे मत घूरो ना, वैसे भी मुझे तुम पर क्रश है। थैंक्स। कोई बात नहीं, अब उठ भी जाओ। ये बेचारी गिरने वाली थी तो गिरने से बचा लिया इसे। हाँ, अचानक मैं फिसल गई। हाँ, फिसल गई। पैर फिसल गया तो कोई बात नहीं, पर कुछ और फिसल गया तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ा ध्यान रखा करो। और तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ऊपर? मैंने कहा था ना। अब ये कहा जा रहा है, आहा जाओ, तुम भी देख के चौंक जाओगे। क्या अम्मू, बहुत गुस्से में हो क्या? हाँ, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, आपको तो बहुत मजा आ रहा था ना। अरे वो गिरने वाली थी तो मैंने बचाया, बस इतना ही। हाँ मैंने देखा कौन गिरा, आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे दोनों। अभी मेरी आंखों में देखो ना। देख रही हूँ, बोलिए। अब कौन दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये सब बस आपकी चाल है। कोई चाल नहीं, ये सिर्फ प्यार है। पति देव, प्यारे पतिदेव, तुमने भी शो देखा क्या? बहुत डरे हुए लग रहे हो। अरे 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 अरे, मुझे पता है तुमने क्या देखा। क्या करे, बताया था ना मैंने। तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या देखा? ओ मेरे पागल पतिदेव, इतनी छोटी सी बात से डर गए? मैं भी उस दिन ऐसे ही डर गई थी, तब तो यकीन नहीं हो रहा था ना।
कौन है वो आदमी? उसे ये बुड्ढी मिली थी। प्यार अंधा होता है, क्या कर सकते हैं। प्यार अंधा होता है सुना था, लेकिन पुराना भी होता है। चलो जल्दी से जाके सर को बताते हैं। हाँ जाओ बता दो, बोलने से पहले ही काट देंगे। ये बात मैं नहीं छिपा सकता, मैं टेंशन में मर जाऊंगा। अरे अरे जरा मुझे देखो, तुम्हें बताने के बाद मेरा दिल एकदम हल्का हो गया। तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी, पता नहीं आगे क्या क्या देखना है। What is social soldiers? हमारे देश की बढ़ती हुई क्राइम रेट के पीछे आखिर कारण क्या है? Maybe पावर और मनी, स्वार्थ या लड़कियां? नहीं, डर और रिस्पॉन्सिबल ना होना। जब भी कभी हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसे बचाना तो चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से नहीं बचाते हैं। कौन लफड़े में पड़े? बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। इसके साथ तुम्हारे ऐप का क्या संबंध है? ये आप लोग के किसी भी मामले में सडन रिएक्ट करेगा और आपकी मदद भी करेगा, और इतना ही नहीं हमारे आसपास होने वाले क्राइम को भी कम करने में हेल्प करेगा। वाह, कांग्रेट। थैंक यू। वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर बोर्डिंग इनटू दैट प्रोजेक्ट। कांग्रेट। थैंक यू। अगली बार एग्रीमेंट के साथ मिलेंगे। कॉफी खत्म हो गई। अविनाश को लेकर आ जाना। अविनाश ब्रो। जी ठीक है मैडम। ब्रो कहाँ हो तुम? दादी इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने जो ऐप बनाया ना, उसे गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी मान भी गई है दादी। कौन सा ऐप? सोशल सोल्जर्स, जो हर किसी की मदद करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो ऐप ऐसे लोगों की मदद करे तो सच कहता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसका क्रेडिट अविनाश को जाता है। तो अभी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पता चली? तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। सरप्राइज, तुम्हारे लिए स्मार्टफोन विद सिम। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल ही अपने दादाजी की तरह। कॉन्ग्रेट्स, योर आइडिया इज सुपर्ब। रागिनी मैडम, अपनी चीजों पर हक जताओ तब तक ठीक है, पर दूसरों की चीजों पर हक जमाना ये गलत है। नया फोन लेकर आया था ना? नया फोन है ना, इसलिए बता रही थी कैसे ऑपरेट करते हैं। बस इतना ही। वो पुराना फोन है पर अभी भी बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। What? तुम नहीं समझ पाओगी। इसने अभी तक तुम्हें इसके बारे में कितना बताया? इस बुढ़िया को प्रॉब्लम क्या है, इसे अच्छे से जवाब देना होगा। अभी तो दिखाना शुरू किया था। सब कुछ मत दिखाना बेटा, तुम्हारे लिए ही खतरा होगा। ठीक है जाओ अपना काम करो। ओके मैडम। और तुम मेरे साथ जरा ऊपर आओ। ये इतनी पजेसिव क्यों हो रही है, जैसे कि इसके बॉयफ्रेंड को लाइन मार रही हूँ। मैडम अविनाश को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रही है? मैं बस फोन कैसे ऑपरेट करते हैं यही बता रही थी। थप्पड़ दूंगी तुम्हें, हंसना बंद करो। बताओ इस घर में क्या चल रहा है? तुम्हें भी समझ में नहीं आया ना? क्या समझ में नहीं आया? अविनाश ऊपर गया ना। हाँ तो क्या हुआ? उसे जो मिलना है वो मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें बताओ, मैं डायरेक्टली दिखाऊं। क्या दिखाओगे? तुम्हें बीपी या शुगर वगैरह नहीं है ना? नहीं। तो फिर चलो आ जाओ, शो स्टार्ट हो गया। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। सच में? हाँ देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। इस जन्म में तुम ही मेरी इकलौती पत्नी हो, अब तो खुश ना? मतलब अगले जन्म में आपको दूसरी लड़की चाहिए? तुम तो मुझे तुम्हारे शक से ही मार डालोगी, मेरे पास इसका भी जवाब है। इधर आओ ना। अरे सुनो ना, ना आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। हे रुको तो, अरे सुनो ना, यहाँ देखो, अरे इधर देखो ना। क्या कर रहे हैं? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब जाकर के मुझे थोड़ी शांति मिली। क्या हुआ, इसने भी शो देखा? अभी हम देख के ही आ रहे हैं। तुम लोगों को इस बारे में पहले से पता था क्या? ये शो हमने फर्स्ट टाइम देखा है, इतने दिनों तक हमें पता ही नहीं था। मैं कितनी हॉट हूँ और मुझे छोड़कर वो उस बुड्ढी के पास चला गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अभी अभी देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, देखते जाओ। तुम दोनों के अलावा किस किस को पता? अरे तुम तीसरी इंसान हो। सुनो मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या? इसे भूल जाओ, बस भूल जाओ। मैं ऐसे कैसे भूल जाऊँ,
तुम दोनों उससे भी ज्यादा अजीब बातें कर रहे हो। इतने दिनों तक हमें भी ऐसा ही लग रहा था, अब तुम्हें पता चल गया तो हम हो गए रिलैक्स रिलैक्स। मलेश, ए मलेश, मलेश, हार्ड डिस्क मिसिंग है। हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। ये तुम क्या रागनी? मैंने लॉकर में ही रखा था सर, की भी मेरे पास ही थी, पर ये कैसे? तुम्हें पता है ना ये कितना सीरियस मैटर है, है ये अब्दुल्ला? हमने इसके लिए 50 करोड़ खर्च किए थे। कौन है? कोई नहीं है सर। कौन है सर? क्या तुमने किसी के साथ डील किया सर, है? प्लीज बिलीव मी सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब्दुल्ला, तो फिर क्या काशी? विजय, विजय छोड़ दो, विजय सच बताओ। प्लीज सर, वरना आज मैं तुम्हें खत गिरा डालूंगा। इसने ऐसा नहीं किया होगा, छोड़ दो इसे, औरतों से ऐसे नहीं बर्ताव करते। तुम बस इस घर के नौकर हो, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? और ऊपर से तुम मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ। विजय छोड़ो, क्या करो? माँ, विजय तुम अभी माफी मांगोगे? ये आप क्या बोल रही हैं? मैं और इससे माफी मांगू? हाँ, अभी माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें, माफी मांगो। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? माफी मांगो। माँ रहने दो, आप जरा चुप रहिए। ये इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? विजय मैंने कहा माफी मांगो इनसे, आज इसे सच पता नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई आपको थप्पड़ मारने की? विजय इनसे अभी माफी मांगो। वाह बहुत अच्छा, एक तरफ ये चाहता है कि मैं अच्छे से बिहेव करूं और दूसरी तरफ आप चाहती हैं कि मैं सच जानूं। क्या मैं जान सकता हूं यहां क्या चल रहा है? इन सब का कारण ये लड़का है, अगर मैं इसे मार दूं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे इसे मारने दो। तुम मारना चाहते हो ना, मारो मारो इन्हें, अपने पापा को मार डालो, अपने पापा को। पापा बेटा, विजय ये सच है बेटा, मेरा यकीन करो, ये तुम्हारे पापा ही हैं। वो इंसान जो जंग में शहीद हुआ तुम्हारे पापा नहीं थे, कोई और था। ये तो कोई चमत्कार ही है जिसकी वजह से ये बूढ़े भी नहीं हुए। कोई इस बात पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, पर ये सच है बेटा, यही तुम्हारे पापा हैं। ये आप क्या बोल रही हैं बड़ी माँ?
देखिए झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। क्या दादी, हमने मजाक में बोला ये दादाजी की तरह दिखता है और आपने ये सच मान लिया? ये तुम्हारे दादाजी ही हैं। क्या कहानी है, बहुत अच्छी। तुम सॉरी, तो आप मेरे पापा हैं और मैं आपका छोटा सा बच्चा हूं। क्या कहानी है, वाह। अविनाश, तुम्हारा चेहरा मेरे पापा से मिलता है और मेरे परिवार के सारे राज जानने के बाद तुमने यह कहानी बना डाली। मैं जानता हूं मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। बताओ क्यों? मैं समझ गया अब्दुल्ला। विजय, एक तरफ हार्ड डिस्क गायब है, इसने मेरी मां पर जादू कर दिया है। मेरे पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए ये एक मास्टर प्लान है। इतना होने के बाद भी हंस रहा है, छोड़ूंगा नहीं, और जो इसमें शामिल है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। विजय रुको बेटा, सुनो अब्दुल्ला, तुम तो मेरा यकीन मानो, ये और तुम्हारे अंकल बादशाह बचपन के दोस्त हैं, सच में यही मेरे पति हैं। बड़ी माँ, देखिए ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल है। आपका बेटा बहुत टेंशन में है। अच्छा होगा कि ये कुछ दिन यहाँ पर ना रहे, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए। ले जाइए अंकल इसे, दोबारा मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। ब्लडी चीज़। अरे तो जाओ ना। आप चिंता मत करो बड़ी माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो चलो चलो। कहाँ है सब लोग, कोई तो मेरा फोन उठाओ। नमस्ते सर। आज सर का मौन व्रत है, इसलिए जो भी काम है जल्दी से करो और जाओ यहाँ से। पर्सनल है सर, मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है सर। वो हमेशा उसी का नाम लेती रहती है सर। कौन है वो? वो बहुत बड़ा आदमी है सर। वो चाहे कोई भी हो, बस उसका नाम बताओ। पवन कल्याण सर, वो दिन भर उसी का नाम जपती है सर। अगर आपकी बीवी ऐसा करेगी तो आप चुप बैठेंगे क्या सर? क्या कर रहे हैं सर? सर मेरी बात सुनिए। ये पागल, इसे अफेयर नहीं बोलते बे, इसे क्रश बोलते हैं। आजकल हर किसी को पावर स्टार के बारे में कमेंट करना है, तेरी तो। चल निकल जाए ऐसे। सर सर चल जा। सर मेरी कंप्लेंट। अरे सर चल निकल, फाइल कर लो सर। निकल निकल, कंप्लेंट फाइल कर लो सर। बैठिए मैडम। नमस्ते, सर ने आज मौन व्रत रखा हुआ है। जब माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो फिर कोई मौन व्रत नहीं। आप एक बार कॉल कर लेती तो मैं घर आ जाता माता जी। तुम्हें इतने दूर आने की कोई जरूरत नहीं थी। राज्य में कोई समस्या हो सब आपके घर में ही सॉल्व होता है। ऐसी क्या समस्या है कि आपको यहाँ आना पड़ा? मेरे पति किडनैप हो गए। क्या बोल रही हैं माता जी आप? आपके पति का किडनैप हो गया है? इसमें आपके बेटे हमसे ज्यादा मदद कर सकते हैं माता जी। मेरे बेटे ने उन्हें किडनैप किया है। माता जी क्या यह सच है कि आपके पति को आपके बेटे ने किडनैप किया है? अगर ये केस मैंने ले लिया तो मेरी जॉब का क्या होगा? तुम कुछ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं सीनियर ऑफिसर से बात कर लूंगी। सीनियर ऑफिसर, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देखूंगा। डिटेल्स बताइए। नाम अविनाश। हाँ माता जी। उम्र 28 साल, रंग सांवला, कद 5'11". मैं बस एक मिनट में लौटने की परमिशन चाहता हूँ। हाँ ठीक है। माता जी की उम्र 68 साल है और उनके पति की उम्र 28 साल है और बेटे की उम्र 50 साल। ठीक है, मैं आपके पति को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके।
चलो चलो आगे। मैडम एक सवाल, मैडम आपने पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन लिखाया है कि आपके पति लापता है, क्या ये सच है? आपके पति 50 साल पहले गुजर गए हैं, इसका मतलब आपने दोबारा शादी कर ली? आपने कहा कि आपके पति की उम्र 28 साल है, इसका मतलब आपने अपने आधे उम्र के लड़के से शादी की। आपको पता है ना, मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ रहे आपके बेटे का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है आपके प्यार के चक्कर में। आप अभी 65 की हो गई हैं। इस उम्र में ये प्यार और शादी इतना आसान नहीं होता, और आपने अपने ही बेटे के खिलाफ कम्प्लेन फाइल किया है, इस पर आप क्या कहेंगी? जल्द ही आप सबको जवाब मिल जाएंगे। अभी मेरे पति की जान खतरे में है। अविनाश, मौके का सही फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। क्या रे, सच बता, ये काशी की कोई चाल है क्या? कितने पैसे दिए हैं उसने? क्या बकवास है ये, तुमने मुझे धोखा दिया है अब्दुल्ला। तुम अपने पापा जितने मासूम तो नहीं हो। अगर मैं वहां नहीं होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होते यहाँ पर। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तुम्हारे माँ बाप की शादी कराई थी, माँ ने मेरे बारे में कभी बताया नहीं। खत्म कर दो इसको। पता ही नहीं है ना, तेरे पास आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना पासपोर्ट, और ना ही राशन कार्ड, वोटर आईडी तक नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड में तेरा नाम है ही नहीं। क्या रे, दूसरे ग्रह से आया है क्या? अगर जंग शुरू कर दूं तो 92 लोग सरेंडर कर देंगे। दैट इज माय वॉर रिकॉर्ड। ये किसे सैल्यूट कर रहा है? मुझे? अरे अरे भाई, कर दो मुझे, अभी तो तुमने सैल्यूट किया मुझे। अरे मुझे, अरे क्यों मारे? अरे अरे टोपी पहन लेता में कॉल करता हूं।
अरे यार, इसने हम सबको मारा, पर यार इसे क्यों बचा लिया? मुझे क्या पता, चल 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 यहाँ से। मंत्री जी विजय भास्कर की मां लव अफेयर के लिए हो गई है वायरल। इस बात से जनता शॉक में है। अगर हम डिटेल्स देखें तो उनकी उम्र है 68 और उस लड़के की 28। ये कोई फिल्म टाइटल नहीं है, ये सच्चाई है, राज्य के लेबर मिनिस्टर विजय भास्कर की मां की प्रेम कहानी। और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तू तो गया विजय भास्कर। अंदर आइए। छोड़ो अम्मू। आइए ना। माता जी नमस्ते, आप भी बैठिए। मुझे तुम्हारा नमस्ते नहीं चाहिए। सर देखो इन्हें, किडनैप करके इन्हें कितना मारा गया है। सर सच में क्या आप इनके पति हैं? तो फिर मेरा सौभाग्य है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं जरा एक मिनट में आता हूँ। अम्मू कोई सीन मत बनाओ, क्या कर रही हो? सर तुम लोग जैसे चाहते हो मुझे मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सर अगर तुम्हारे मार से मैं सेटिस्फाइड हुआ सर, तो मैं तुम सबको कभी नहीं मारूंगा और तुम सब अभी भी मेरा फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हुआ है। नमस्ते सर। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ वो मीडिया के सामने मुझे सॉरी बोले। तुम्हारा मतलब पवन कल्याण? हाँ सर। सुन, अगर ये न्यूज बाहर किसी को पता चल गई बेटा, तो उनके फैंस थाने में आकर सर मेरी इतनी पिटाई करेंगे सर कि मुझे टॉयलेट जाने में भी परेशानी हो जाएगी। चल निकल सर, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इनकी कहाँ से सॉल्व करूंगा। एक मिनट कहकर गए थे, इतना वक्त क्यों लगा? आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती माता जी, आजकल कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं सुन रहा हूँ, इसीलिए बीमार हूँ। बोलिए। मैंने बताया ना तुम्हें कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए अभी इसी वक्त केस फाइल करो। अगर मेरे पति को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा बेटा विजय भास्कर होगा। अम्मू बस करो, और कितना बोलोगी? अब्दुल्ला भी इसमें शामिल है। तो यही केस है क्या माता जी? हाँ। तो फिर मुझे एक मिनट और चाहिए। तुम बार बार कहाँ जा रहे हो? अरे क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता माता जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। आँखों के सामने ऐसी चीजें देखूंगा तो मेरी तबीयत कैसे ठीक रहेगी? अगर डर लग रहा है तो साफ साफ बता दो। अरे किसे डर लग रहा है माता जी? अभी आप जाइए और आपका पोता, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब आपके पति, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। अम्मू चलो चलते हैं। जवान लड़का पहुंच गया बेचारा, क्या होगा इसका, ये उसका क्या हाल करेगी? एक नंबर का बेवकूफ है ये। मैडम 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 मैडम, आपको आइडिया है आपके लव अफेयर की वजह से आपके बेटे के पॉलिटिकल करियर पे क्या असर होगा? अगर इनका और आपके बेटे का डीएनए टेस्ट किया जाए तो कोई भी समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रही हैं। आप इस सच को इग्नोर कैसे कर सकती हैं? मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, मेरे बेटे को इस सब पर यकीन नहीं था। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि ये सच नहीं है, तो हम डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार हैं। अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया तो जो भी परिणाम होगा मैं वो झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति पर मेरी आंखों के सामने अत्याचार हो रहा है, मैं ये कैसे झेल सकती हूँ? अम्मू वो हमारा बेटा है, उसके लिए ये चमत्कार समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, उम्मीद है कभी समझ जाएगा। ठीक है अब चलिए यहाँ से। अम्मू सुनो तो, ये सब क्या चल रहा है? क्यों, अब तो मुझ पर भरोसा हो गया ना? मुझे तो उस दिन भी यकीन था, लेकिन सुनने में अजीब था, अब मेरा सारा शक दूर हो गया है। अमूल्या इस मामले को शांत होने दो, तब तक तुम दोनों मेरे साथ रहो। हाँ भैया। क्या बात है। मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुमने इसे पहचान लिया। वैसे तो ये बेस्ट फ्रेंड मेरा है, लेकिन तुमने इसे समझा। हाँ। चलो अभी। अपने बालों में रंग तो लगा, इस हालत में तुझे देख नहीं सकता हूँ मैं। अरे ठीक है, बाद में रंग लगा लेना मेरे बालों में, अभी चलो चलो। अमूल्या के दिलचस्प प्यार को एक नया मोड़ मिल गया है। जी हाँ, अविनाश और विजय भास्कर के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। अब पूरे देश को बस
रिपोर्ट के आने का इंतजार है। ये विजय भास्कर की माँ को क्या हुआ है, इस उम्र में ये सब कर रही है, उसी की वजह से उसका बेटा बुरी तरह से फंस गया है। पर वो लड़का टिट्टू उसके पापा की तरह कैसे दिख सकता है? हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मीडिया को इस मैटर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो आदमी अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो पूरे राज्य को कैसे संभाल पाएगा? इस पॉइंट को रोज मीडिया में हाईलाइट करेंगे। कल वोटिंग हॉल में हमारे सारे मेंबर्स विजय भास्कर से इस बारे में ही सवाल करेंगे। मुझे तो विजय भास्कर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अमूल्या, हाँ उस दिन पूरा गांव हमारे पीछे पड़ा था और हम जाकर कीचड़ में गिर गए थे। और क्या, उस दिन अमूल्या को पहली बार देखकर मैं बहुत ही खुश था सच में। अगर वो औरत वहां नहीं आती तो तुमने कीचड़ में ही शादी कर ली होती। चुप कर यार। थैंक यू। भगवान बचाए। मिस यू सो मच। ये मुझे चूम क्यों रही है? बाय दादी। कॉल मी, आई विल बी वेटिंग। जाइए यहां से। अमो, कह तो से सावरिया आजा दिल में ओ गोरिया है, कह तो से सावरिया तू है मेरी दुनिया, कह तो से सावरिया दिल में आ ओ गोरिया है, कह तो से सावरिया उफ ये तेरा जलवा है, कह तो से सावरिया न तू रूठ यूं बाबा, कह तो से सावरिया उफ तेरा ये जलवा है, कह तो से सावरिया आजा दिल में ओ गोरिया है, कह तो से सावरिया तू है मेरी दुनिया। है तुझ में ही सारे जहान की खुशियाँ मेरी, फूलों का जोड़ा जूही चंपा बरसे तुझ पे जान मेरी है, दिल सीधा मेरा यार तुझ पे, तेरे रूप का नशा चढ़ा मुझ पे, आगे पीछे दिन रात घूमूंगा मैं गोरिया, प्यार से गालों को तेरे चूमूंगा मैं गोरिया, हे कह तो से सावरिया आजा दिल में ओ गोरिया है, कह तो से सावरिया तू है मेरी दुनिया। जानम चाहता हूँ तुझको यूं ना दूर तू जाना रे, कोई भी समय हो साथ ना मैं छोड़ू दूंगा दूर ना जाने मैं तुझे, जो स्पेशल चाहे तू ले ले मुझसे, जो प्रॉमिस चाहे तू ले ले मुझसे, आगे पीछे दिन रात घूमूंगा मैं गोरिया, प्यार से गालों को तेरे चूमूंगा मैं गोरिया, कह तो से सावरिया दिल में आजा ओ गोरिया, कह तो से सावरिया दिल में आ ओ गोरिया। क्या भाई, अगर तुम फोन बंद करके यहाँ चुपचाप बैठोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सच है। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरा बाप है। विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त मेरे विरुद्ध है। पिछले 20 सालों से दिन रात मेहनत कर करके आज मैं यहां पहुंचा हूं, पर अब बर्बाद हो जाऊंगा उसकी वजह से। जब बच्चे गलती करते हैं तो मां बाप उन्हें समझाते हैं, पर अगर कोई मां गलती करे तो उसे कौन समझाए? जिंदगी नरक हो गई है। मेरी बात सुनो ना विजय, उस दिन उसने बहुत सारे गुंडों को मारा, लेकिन मुझे नहीं मारा, बल्कि अपने बेटे की तरह देख रहा था। मेरे माँ बाप की शादी के बारे में बताया जो बहुत साल पहले हुई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखो प्लीज मेरी बात सुनो, अच्छा होगा अगर उससे एक बार बात कर लो। क्या अच्छा होगा? रिजल्ट आने दो, फिर मेरा दर्द समझोगे। अरे यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार न्यूज तो देखो। अमूल्या और अविनाश की प्रेम कहानी को हर दिन एक नया मोड़ मिल रहा है। दोनों की डीएनए रिपोर्ट बहुत सरप्राइजिंग है, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी इस रिपोर्ट को देखकर बहुत शॉक्ड है। 10 बार चेक करने के बावजूद भी ये पाया गया कि दोनों डीएनए सैंपल्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कैप्टन अविनाश ही विजय भास्कर के पिता हैं। ऐसा बताया है प्रोफेसर गिरीश सोलंकी ने। फालतू का सवाल मत पूछो, क्या हुआ? चलो चलो। ये क्या काशी भाई, पूरे राज्य में जिसको देखो बस उसी के बारे में बात कर रहा है। अरे हमने तो सोचा था इस डीएनए टेस्ट का हम फायदा उठाएंगे, पर वो तो उल्टा हीरो बन गया। उसने कुछ ना कुछ करके झूठ को सच बनाया है। पब्लिक में अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने डीएनए रिपोर्ट को ही बदलवा दिया। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी रिपोर्ट फर्स्ट टाइम देखी है। 100% मैचिंग इज हाईली इम्पॉसिबल, बट इट हैज हैपेंड। ये कैसे हो सकता है? दिस इज बियॉन्ड ऑफ नॉलेज एंड साइंस। अब आगे क्या करना है? दोनों का डीएनए मैच हो रहा है, मतलब दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो है। इसी बात का तो इशू है। अगर वो बोलता कि विजय भास्कर मेरे पापा है तो ये डीएनए का मैच होना इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज नहीं होती। लेकिन अविनाश विजय के पापा है, ऐसा अमूल्या का कहना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कोई और बात है, हमें ध्यान से देखना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ कोई और इशू है। कोई और इशू? वो क्या है? अविनाश के बारे में मैंने मीडिया फुटेज में देखा है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उसका पैर फिसल गया था और वो बर्फ की खाई में गिर गया था, और जब उसकी आँख खुली तो वो एक नई दुनिया में था। Yes. उस वक्त अविनाश के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। वी नीड टू टॉक टू प्रोफेसर गिरीश सोलंकी। आर यू टॉकिंग अबाउट प्रोफेसर गिरीश सोलंकी? यस, गिरीश सोलंकी। वो बहुत जीनियस है। हमारी पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पे भी जीवन है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए कई सारे देश कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। हमारे देश से सोलंकी जी इस रिसर्च का हिस्सा है। ही इज हेड ऑफ प्लैनेट पोजिशनिंग रिसर्च सेंटर, PPRC। द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर स्टेटमेंट सर, यू हैव टू अनलॉक दिस मिस्ट्री। विल डू आवर बेस्ट, गिव अस सम टाइम। थैंक यू सो मच सर। How is it possible, sir? Yes, it's possible. इनके केस में ये पॉसिबल है। दोनों का डीएनए मैच कर रहा है। ये ऑलमोस्ट मेडिकल वैल्यूज के लिए एक चैलेंज है। साइंस के लिए ऐसा चैलेंज कोई नया नहीं है। क्या दुनिया इस पर भरोसा करेगी? अगर अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद ये दुनिया भरोसा जरूर करेगी। Let's see. What next?
मुझे तो आदत है मेरे परिवार से दूर रहने की है, पर वो ऐसे नहीं रह सकती। मेरी वजह से माँ बेटे अलग हो गए, उन्हें दोबारा मैं ही मिलाऊंगा। डैड, कहाँ जा रहे हैं आप? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस अविनाश को मार डालूंगा और अपनी मां को घर ले आऊंगा। डैड, अरे ओ शिट। और तेज चलाओ। अंकल जी, चेक। मुझे लगता है तुम्हारी नजर मंत्री पे है। कहाँ जा रहे हम? पूरी दुनिया अमूल्या और अविनाश की लव मिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रही है। अविनाश के बारे में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। मीडिया के सामने बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमिस्ट गिरीश सोलंकी ने सब कुछ बताया है। बताइए सर, आप इस इमरजेंसी प्रेस मीट में क्या कहना चाहते हैं? क्या अविनाश की कहानी सच है? ये यूनिवर्स हमें हमेशा नए सवालों के साथ चैलेंज करता है। उन सारे सवालों का जवाब है कैप्टन अविनाश। क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं डीएनए कैसे मैच हो गया? ये कहानी शुरू हुई 1971 में। हमें पता है कि तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, पर उस समय एक उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरा था और इस बात की प्रमाणिकता नासा के रिकॉर्ड्स में भी है। इस घटना को कहते हैं जिकारो। अविनाश और उल्कापिंड के बीच क्या रिश्ता है? जब वो उल्कापिंड अपनी ऑर्बिट भूल के पृथ्वी पर आ गिरा तो फोर्स की वजह से वहाँ एक सर्कल बन गया। ये सर्कल क्या है सर? हम इस सर्कल के बारे में कुछ जाने उससे पहले इसराइल में स्थापित टेल अवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए रिसर्च को समझना पड़ेगा। टेल अवीव यूनिवर्सिटी, जिसने रिसेंटली प्रूफ किया है कि ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर कोई जवान रह सकता है, वो इस कहानी से कैसे कनेक्टेड है? Yes, it's connected. जब मेटेरॉइड पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी के अंदर ऐसे ही ऑक्सीजन चैम्बर बन जाता है। अविनाश का जब पैर फिसला तो वो उसी चैम्बर में जा गिरा। आपके कहने का मतलब है कि 50 साल तक उसी में रह गया? Exactly. पर कोई बिना कुछ खाए पिए इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह सकता है? क्या ये पॉसिबल है? लेट मी एक्सप्लेन। मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम सिस्टम के डीएनए को टेलोमेरेस प्रोटेक्ट करते हैं। एक इंसान की जवानी इस टेलोमेरेस के स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इस टेलोमेरेस को ठीक तरह से हेल्दी रहने के लिए फ्रेश एयर, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। सेम एज के लोगों में कोई यंग दिख सकता है तो कोई एजेड दिख सकता है। एजेड दिखने के पीछे बस एक ही कारण छिपा होता है और वो है उसके शरीर में टेलोमेयर्स की कमी। मतलब इस सर्कल में फ्रेश ऑक्सीजन की वजह से अविनाश का टेलोमेयर्स सिस्टम स्ट्रांग बना रहा और इसलिए अविनाश अभी तक यंग दिख रहा है। Yes, you are correct. तो 50 साल तक ये सर्कल कहाँ था सर? आप सबको एक बात पता होगी, उल्का कई चीजों का भंडार होता है, मुख्यतः ऑक्सीजन, निकेल और आयरन का। जब वो उल्का पृथ्वी के साथ टकराया तब फ्रिक्शन की वजह से पृथ्वी के अंदर एक ऑक्सीजन चैम्बर बन गया और एग्जैक्टली उसी टाइम पे अविनाश उस सर्कल में गिर गया और माउंटेन रॉक्स ने ओपनिंग को बंद कर दिया। इसलिए ये ऑक्सीजन चैम्बर उस गुफा जैसे स्ट्रक्चर में छुप गया और इसीलिए कोई भी उस चैम्बर को देख नहीं पाया। लेकिन अभी हाल ही में जब अर्थक्वेक हुआ तो वो ऑक्सीजन चैम्बर ब्रेक हो गया और पृथ्वी के आउटर स्पेस तक पहुंच गया। उतने दिनों तक अविनाश कोमा के स्टेज में था। 50 years in coma. Is that possible? You have to believe. Generally, जब हम किसी पेशेंट को कोमा में देखते हैं तो वो इतने दिनों तक ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से ही जिंदा रहता है। रिसेंटली इसराइल में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी द्वारा 64 साल के पेशेंट को मोनोप्लेन्स ऑक्सीजन चैम्बर में रखा गया था और उनके टेलोमेयर सिस्टम को रिपेयर करके उन्हें फिर से यंग बना दिया गया था। साल 1986 में माइकल जैक्सन के पास भी ऐसा ही हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर था, ऐसा न्यूज में बताया गया है। यू कैन गूगल इट। 1971 में अविनाश की बॉडी को घर लाकर अंतिम संस्कार किया गया था, क्या ये सच नहीं है सर? मैं पर्सनली आर्मी हेडक्वार्टर्स गया था,
उस दिन जंग वाले दिन रहमान को अविनाश का बैंड मिल गया था तो उसने उसे पहन लिया था। उस टाइम पे रहमान के ऊपर बॉम्ब गिरने की वजह से वो वहीं पे शहीद हो गया, इसलिए आर्म बैंड की वजह से सबको लगा कि वो अविनाश की बॉडी है। तो फाइनली आप कह रहे हैं कि ये अविनाश है? सिर्फ मैं नहीं, प्रकृति के सारे पंच तत्व ऐसा ही बोल रहे हैं, अविनाश जिंदा है। पर उनकी परिस्थिति का क्या सर? पाकिस्तान के खिलाफ उतना बड़ा जंग लड़के जीतने वाला अविनाश आज अपने लोगों के साथ एक नया जंग लड़ रहा है। बहुत मुश्किलों से उसकी पत्नी ने उसके ऊपर यकीन किया है, पर उनके बेटे को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। उनका यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वेलकम बिग ब्रदर। इनका अच्छे से ख्याल रखना, हमारे बेटे की तरह है। इसका ख्याल रखने का क्रेडिट हमें मिलेगा और इसे मारने का क्रेडिट अविनाश को। उसे मारो, मार डालो। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे ये कहाँ से आ गया? काशी का पूरा प्लान खराब कर रहा है। सीएम बनना है तुझे। Oh!
विजय! विजय आंखें खोलो। डॉक्टर! नहीं नहीं विजय, कुछ नहीं होगा तुझे। अपनी आंखें खोलो ना विजय। डॉक्टर! ओह माय गॉड, काफी खून बह चुका है, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, तुम ब्लड देने की सिचुएशन में नहीं हो। आप ये सब मत सोचो। बेटा विजय, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? बस दो दिन के बाद आप स्टेट के सीएम बनने वाले हैं, आपके क्या क्या प्लान्स हैं आप बता सकते हैं? आप लोग इंतजार कीजिए सर, आपके बाद इस राजनीति को आपके परिवार से कौन ज्वाइन करने वाला है सर? मुझे अपना काम करने दीजिए, समय आने पर जनता फैसला करेगी। जय हिंद कैप्टन अविनाश। जय हिंद सर। आर्मी ने आपके सर्विसेज को कंटिन्यू करने का फैसला किया। This is your posting order. Sure, sir. Thank you so much. Congratulations. मैं इसके लिए तैयार हूँ। Posting कहाँ है सर? China border. Operation Mask. अम्मो, इस बार हम साथ में चलेंगे। और हम तुम्हें असेंबली छोड़नी पड़ेगी।